हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस वीडियो दोस्तों रिसेंटली सी जो कि वॉचडॉग है कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट का उसने एक फाइन लगाया है टैप पे फॉर नॉट सबस्टेंशिंग द रिजल्ट ऑफ आरबीआई ग्रेड बी 2023 और आज हम इस वीडियो में इसी इशू को पूरे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और हमारे साथ है सर, हैं अंचित सर जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे इस इशू के रिगार्डिंग तो अंचित सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी कोई ऐसी फाइन वगैरह लगती है तो नॉर्मल इंटेंशन होता है कि इस चीज़ को दबा दिया जाए या डर लगता है कि किसी को पता ना लग जाए हमारे ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है क्योंकि हमारा शुरू से ही कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं था और हम सब कुछ अपने सब्सक्राइबर्स लर्नर्स के साथ शेयर करते आए हैं शुरू से लेकर सात साल हो गए हमें कभी भी कोई नोटिफिकेशन न आए पैटर्न चेंज हो कोई बड़ी न्यूज हो सेलेक्शन जब कैंडिडेट्स के होते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि ये चीज हम उनके आगे रख रहे हैं ऑनेस्टली ताकि वो सारी चीजें असेस कर पाए और सारे इशू को हम इस वीडियो में डिस्कस करना चाहते हैं दैट्स दैट्स इट ओनली ऑब्जेक्टिव हमारा ऐसा कोई भी टेंशन नहीं है कि हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं या हम सीसीपीए को चैलेंज कर रहे हैं ऐसा कोई भी टेंशन नहीं है वी आर जस्ट पुटिंग दी थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अस जो भी हुआ है ऑनेस्टली सो दैट यू कैन असेस इट बाई योर राइट सर सर uh, uh, एक और बात जो सब जानना भी चाहेंगे कि ये सी सी पी ए किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है इसकी फुल फॉर्म क्या है और किस तरह के काम में करती है सर सी सी पी ए स्टैंड फॉर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी तो सी सी पी ए का मैंडेट मतलब पूरे इंडस्ट्री uh, में पूरी मतलब सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री नहीं कोई भी इंडस्ट्री हो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो भी कंज्यूमर के साथ डील कर रही हैं उसमें वो वॉच डॉग है वॉच डॉग मतलब काइंड ऑफ रेगुलेटर है तो उसमें से वन ऑफ देर ऑब्जेक्टिव कोई भी मिसलीडिंग एड हो कोई भी ऐसी हो जो उनकी गाइडलाइंस को मीट नहीं करती है उसको वो चैलेंज कर सकते हैं तो हाल ही में आपने यह भी देखा होगा कि अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं कि सीसीपी ने बहुत सारे आई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नोटिस भेजे थे कि उन्होंने अपने रिजल्ट्स को सब्सटेंशिएट नहीं किया अब होता क्या है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारे बच्चे पेड कोर्सेज पढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चे कुछ फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लेते हैं जैसा कि आई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में देखा गया था तो सीसी का ऑब्जेक्शन था कि जब आप इनके रिजल्ट क्लेम करते हैं आप सबसेंशिएट नहीं कर रहे हैं कि कितने बच्चे पेड कोर्सेज में थे और कितने बच्चे फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में थे ये सबसेंशिएट नहीं किया गया था जिससे कंज्यूमर मिसगाइड हो सकता है इसीलिए बहुत सारे आई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नोटिस भेजा गया था और उनप

अब इसमें मेन इशू यही है कि हमने यहाँ पे सब्सटेंशियट नहीं किया है कि 144 में भैया कितने पेड हैं और कितने फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से हैं या और कोई फ्री गाइडेंस है ये हमने सब्सटेंशियट नहीं किया तो हमने वो सब्सेंशिएट नहीं किया वो हमारी गलती है मैं आपको बता देता हूं नंबर्स कैसे स्टैंड करते हैं तो हमारे इस वन में 87 थे जो पेड स्टूडेंट्स थे विच इज अ फेयर गुड नंबर आई वुड से

वाले बच्चे हैं वो मेनली इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के होंगे दैट इज नॉट द केस 57 फ्री गाइडेंस ले गए बट इट्स नॉट कि वो सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में फ्री गाइडेंस ले गए उन्होंने फेज वन और फेज टू में भी फ्री गाइडेंस ली है कैसे मैं बताता हूं इनफैक्ट हमें भी नहीं पता होता है रिजल्ट के बाद पता लगता है बहुत सारे लोग हमारी समरी शीट्स एफ की या ई की या हमारा स्कीम्स टाइप रिपोर्ट टाइप पढ़े हैं एग्जाम से पहले उन्होंने अपने दोस्त से ले लिया या अपने दोस्त के पोर्टल में लॉग इन कर वहीं से पढ़ लिया तो उन्होंने फ्री गाइडेंस ली ऑफ अ पेड मटेरियल बट नॉट पेइंग अस ठीक है तो वो फेज वन फेज टू में ली सिर्फ इंटरव्यू में नहीं इंटरव्यू में तो ली ही है इन 57 ने इंटरव्यू में तो एनरोल किया ही था फ्री गाइडेंस प्रोग्राम में बट इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे 57 में से कुछ लोगों ने मैं नंबर्स बताऊंगा आगे हमारे फेज वन और फेज टू में भी फ्री गाइडेंस ली है राइट right. और सर ये जो आपने पूरा जो इशू जो है इसको आपने एक्सप्लोर किया आपने बताया कि किस तरीके से हमारा रिजल्ट जो है सबस्टेंशिएट होना चाहिए था तो इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर कि मतलब हमारी इंटेंशन क्या थी इसमें नहीं ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि हमने सबसेंशेट नहीं किया वो हमारी गलती है ठीक है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमने सबसेंशेट नहीं किया तो वो हम नहीं करेंगे या हम क्यों करें हम हमें करना चाहिए था जो गाइडलाइन कहती है लेकिन मैं इसमें यही बोलना चाहूंगा कि हमारी कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं थी मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ हमने बहुत क्लियरली अगर आप वही एड को देखेंगे उसका जो टेक्स्ट है उसमें बहुत क्लियरली बोला है कि एट एडू टाइम वी टेक अ ग्रेट प्राइड इन प्लेइंग अ स्मॉल पार्ट इन योर सक्सेस हमने कहीं भी ऐसा एग्जेजरेट किया नहीं कि आप हमारी वजह से निकले हैं या हमसे ही पढ़े हैं मतलब वी कैन से दैट कि इनफैक्ट जो 87 सेवन पेड स्टूडेंट्स हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए उन्होंने भी चार जगह से और फ्री में गाइडेंस ली होगी या कहीं और से पेड कोर्स भी लिया होगा दैट्स द द रियलिटी ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री तो हमने तो बहुत क्लियरली लिखा है कि भैया हमने स्मॉल पार्ट प्ले किया है आपके सक्सेस में और हमने ये भी लिखा है डिटर्मिनेशन हार्डवर्क कमिटमेंट ये आपका है विच इज हेल्पिंग यू टू क्लियर दिस एग्जाम तो अगर हमारा ऐसा होता तो हम कुछ भी लिख सकते थे कि भैया हमारे कोर्सेज पढ़ के आप निकले हो या हमसे ही

ऐसे थर्टी प्लस लोग हैं जिन्होंने हमारा पेड रिसोर्सेज फ्री में पढ़ा है और ये हमें कैसे पता चलता है क्योंकि वो खुद मेल डालते हैं मैं आपको कुछ देता हूं। जैसे यहां पे ये यूजर हैं जिनका ये ई है मैं नाम नहीं बता सकता हूँ फॉर प्राइवेसी कंसर्न ये लिखते हैं कि फेज वन के लिए मुझे आपकी जीए की स्कीम स्टैप रिपोर्ट स्टैप पढ़ी मैंने क्वान्टर रीजनिंग के लिए विष्णु सर के लाइव सेशंस शायद यूट्यूब पे देखे होंगे लेकिन ये देखो ये दिखते हैं आई हैव वॉच्ड मैनेजमेंट क्लासेस फॉर फेस टू जो कि सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज में और नीचे ये भी लिखा है ऑल दो आई एक्चुअली परचेज एनी कोर्स बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल रीजन बट आई एम थैंकफुल फॉर योर गाइडेंस पेड एज वेल एज फ्री सेशन थ्रू यूट्यूब तो इन्होंने हमारा पेड रिसोर्स यूज किया किसी के लॉग इन आई डी को यूज कर, कर वहां से इन्होंने हमारी वीडियोज देखी ऐसा ही एग्जाम्पल दिखाऊंगा ये यूजर भी हमारे लिखते हैं कि मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेफर किए मैराथन सेशंस पे रेफर किए जो कि फ्री थे समरी शीट्स अब ये हमारा पेड रिसोर्स है दे हैव एक्सेस थ्रू सम ऑफ देयर फ्रेंड्स और थ्रू सम इंटरनेट मैकेनिज्म जहां पे उनके उनके साथ वो शेयर की गई तो इन्होंने ये भी एक पेड रिसोर्स है जो हमारा फ्री में एक्सेस किया तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मैं आपको सारे नहीं दिखा सकता बट ये स्टूडेंट्स ने हमारा फेज वन फेज टू में भी रिसोर्सेज को एक्सेस किया है दो फॉर फ्री बट उनमें से कुछ लोगों ने पेड रिसोर्सेज को फ्री में एक्सेस किया है कुछ लोगों ने यूट्यूब पे ही जो फ्री रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस किया है या फिर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हैं फ्री उनको एक्सेस किया है और अगर मैं इंटरव्यू गाइडेंस की बात करूं तो इसमें से थर्टी प्लस तो फेज वन फेज टू में भी हमारा रिसोर्स एक्सेस करते रहे हैं सिर्फ इंटरव्यू में नहीं और बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर थर्टी सेवन लोग हैं यहाँ पे जो बीस बचेंगे जिन्होंने सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में ही एनरोल किया तो वो हमें सब्सेंश करना चाहिए था ठीक है पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बस ये बताना चाहूंगा कि आर में ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की कोई वैल्यू नहीं है 20% वेटेज है उससे भी ज्यादा शायद वेटेज है आपको ओवरऑल स्कीम में और ऐसे दस ग्यारह लोग हैं इन 144 में जिन्होंने लास्ट ईयर भी इंटरव्यू दिया था बट मार्क्स अच्छे नहीं आए थे जिसकी वजह से सिलेक्शन रह गया था तो पूरा इसका एक वजूद है सिलेक्शन प्रोसेस में और हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इज नॉट जस्ट अबाउट अ मॉक इंटरव्यू अगर हमें सिर्फ मॉक इंटरव्यू फॉर्मेलिटी के लिए करना होता कि हमें रिजल्ट क्लेम करना है तो मैं और कुलदीप सर या मैं दीपक सर बैठ के पंद्रह मिनट का मॉक इंटरव्यू लेते और खत्म करते बट वी हैव बीन वेरी सीरियस अबाउट दैट बिकॉज वी नो द फेट ऑफ स्टूडेंट सिलेक्शन डिपेंड अपॉन दट तो एक बहुत प्रोग्राम है जहां पे हमने फोर्टी प्लस वीडियो दिए हैं ऑन डिफरेंट एंगल्स टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू को कैसे भरना है अपने एक्सपीरियंस में से क्या क्या क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने चाहिए अपने बैकग्राउंड से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने चाहिए आरबीआई की वेबसाइट से वॉट ऑल यू शेड बी प्रिपेरिंग फिर आपके मैनरिज्म से रिलेटेड इन

तो ऐसी बहुत सारी मास्टर क्लासेस भी हमने लाइव की थी और हमारा जो पैनल है बहुत ही अच्छा है जैसा मैंने बोला इट वॉज नॉट लाइक अ फॉर्मेलिटी कि किसी भी दो लोगों को बिठाया कुछ दस मिनट लगाए और इंटरव्यू ले लिया और बाद में रिजल्ट क्लेम कर लिया ऐसा नहीं था बहुत स्टीम पैनल था बहुत अच्छे से उन्होंने इंटरव्यू लिया क्योंकि वो लोग जानते थे वॉट इट टेक्स टू क्रैक दी इंटरव्यूज और वॉट इट टेक्स टू स्कोर गुड मार्क्स इन दी इंटरव्यू फॉर एनी एग्जाम स्पेशली आरबे और नबार्ड काइंड ऑफ एग्जाम्स तो इसमें अच्छा फीडबैक भी आया है

वो कहीं ना कहीं हमारी एक मिस्टेक है एक गलती है राइट सर आपने पूरा काफी डिटेल में बताया हमें एंड सर दिस इज राइट कि हमें हमेंट करना चाहिए था जो हमने नहीं किया है और सर क्या हब, अब हमने रिजल्ट जो अपनी वेबसाइट वगैरह पे पब्लिश uh, कर दिया है बिल्कुल तो जैसा कि मैं ये सारे पॉइंट्स के थ्रू ये बोल कि हमारा कोई मैलफाइन इंटेंशन नहीं था बट सब्सेंशेट हमने नहीं किया तो वो चीज हमने अब सब्सेंश कर दी है हालांकि इसमें बहुत एफर्ट लगा है कि आप सारे यूजर्स के सारे डिटेल्स निकालेंगे मतलब हमने इसमें दिखाया है कि किस यूजर ने 2023 या 22 में तो कोर्स लिया ही था बट कहीं पुराना कोर्स भी लिया था चार कोर्स भी लिए थे वी हैव शोन एवरीथिंग हियर ठीक है इस लिंक पर जाके यू कैन सी दी सब्सटेंशन ऑफ दीज रिजल्ट्स तो मैं आपको वेबसाइट पे दिखाऊंगा अभी आ, पे। हाँ जी सो so, हम एडोटैप की वेबसाइट खोलते हैं तो अगर आप यहां पे आर रिजल्ट्स में जाएंगे तो यहां पे हमने लिखा है हाँ वन फोर्टी फोर सिलेक्शन और व्यू डिटेल्स में जाके हमने बहुत अच्छे से हर यूजर का रोल नंबर दिया है फोटो नहीं डाली है नाम नहीं लिखे अगेन फॉर प्राइवेसी कंसर्न रोल नंबर है ये भी लिखा है पेड है या फ्री है और आप यहां पे क्लिक कर कंप्लीट कर डिटेल्स देख सकते हैं जैसे कि इस यूजर ने क्रैश कोर्स लिया था तेईस में फाउंडेशन कोर्स लिया था 21 में और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया था इस साइकिल में तो इस तरह से जाके आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं ये, ये, हाँ और ये फी रिसीट भी है अगर आप चेक करना चाहें यहाँ पे क्लिक कर आपको ये फी रिसीट मिल जाएगी पेमेंट गेटवे से हमने यहाँ पे थोड़े कस्टमर की डिटेल्स छुपा दिए हैं ठीक है और ये सब आप चेक कर सकते हैं खुद से तो ये पूरी सारे जो 144 फोर्टी है हमने सारे यूजर्स का यहाँ पे बहुत डिटेल में डाला है आप आराम से देख सकते हैं आई थिंक इससे ज्यादा की जरूरत तो नहीं होगी बिकॉज हमने सब कुछ ही डाल दिया है किस डेट पे क्या कोर्स लिया कितने का लिया कब लिया कितनी वैलिडिटी थी वी हैव पुट इन एवरी थिंग ठीक है राइट तो सर ये जो जजमेंट थी ये एडविटेड पे फाइन लगा इसको आप ओवरऑल सिनेरियो आप इसको किस तरीके से देखते हैं मैं लार्जर पिक्चर की बात करूं तो ये बहुत अच्छा है इंडस्ट्री के लिए कोचिंग इंडस्ट्री के लिए क्योंकि इससे आई थिंक कहीं ना कहीं टीचर्स का इंस्टीट्यूट्स का फोकस थोड़ा रिजल्ट से हटना चाहिए और स्टूडेंट्स का भी और मैं यही बोलूँगा कि स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ये देखें कि वो इस एग्जाम को करना भी चाहते हैं नहीं बिकॉज कोर्सेज आर जस्ट फैसिलिटेटर्स फॉर यू कहीं ना कहीं आपका इंटेंट क्या है आपका मोटिवेशन लेवल क्या है दैट वुड डिसाइड वेदर यू कैन क्लियर दिस एग्जाम मर नॉट कोर्स का पार्ट सिर्फ बीस परसेंट हो सकता है बाकी पंद्रह बीस परसेंट मेटावर का हो सकता है साठ परसेंट आपका डेडिकेशन आपका एफर्ट मोटिवेशन इंटेंट जो भी समझ लीजिए आपने करना आपके मुंह में कोई भी सिलेक्शन नहीं डाल सकता है तो सबसे पहले वन शुड बी वेरी क्लियर वट दे वॉन्ट टू डू वेदर दिस इज रियली वॉन्ट टू डू और अगर करना चाहते हैं तो क्या सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं एनालाइज दैट क्योंकि उससे अगर ये नहीं भी पता लगता कि सेल्फ प्रिपरेशन होगी या नहीं एटलीस्ट बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा कि एग्जाम आता कैसा है कैसा पेपर आता है कितना डिफिकल्ट है क्या सिलेबस है आराम से और अगर उसके बाद आपको लगता है कि आपको असिस्टेड प्रिपरेशन चाहिए देन डोंट गो फॉर समबड़ी रिजल्ट देख के डोंट गो फॉर समबड़ी रिजल्ट देख के आप अपना देखिए आपको क्या अच्छा लग रहा है नोबडी कैन बी बेस्ट फॉर एवरी या फिर सारी सिलेक्शन किसी एक इंस्टीट्यूट की नहीं हो सकती या फिर जिसकी ज्यादा सिलेक्शन है वो बेस्ट नहीं हो सकता शायद इस साल हमारे सबसे ज्यादा सिलेक्शन होंगे शायद ठीक है बट दैट मीन दैट वी आर दी बेस्ट फॉर एवरी वन सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है अलग अलग लर्निंग स्टाइल है अलग अलग टीचर के साथ एक रिलेशन है एक फ्रिक्वेंसी है सब so, वो जरूर देखें एंड देन यू ओनली डिसाइड नो वेदर यू वांट टू गो विद दिस इंस्टीट्यूट और दैट इंस्टीट्यूट बिकॉज दैट वुड बी बेटर फॉर यू इन दी लॉन्गर टर्म नहीं ये आपने बहुत सही बात बोली सर कि सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि एग्जाम का स्कोप क्या है प्रिपरेशन का फिर अब देखोगे आप, देखो आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो या नहीं कर सकते हो अगर आपको कोर्स लेना ही है तो रिजल्ट इज नॉट दी ओनली फैक्टर जहाँ पर आपको किसी इंस्टीट्यूट को चूज करना चाहिए इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर बट नॉट दी ओनली फैक्टर और भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि कोर्स की क्वालिटी कैसी है क्या आपसे ट्यून इन हो रहा है उस कोर्स के डिलीवरी deliver, डिलीवरी uh, का कि आप लोग समझ पा रहे हैं तो, तो ये आपका एक इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए जस्ट बिकॉज आपने एडवर्टीजमेंट देखी आपको कोर्स नहीं परचेज करना चाहिए ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी लाइफ का क्योंकि आप अपने कैरियर को डिसाइड करने वाले हैं तो बहुत ही सोच समझ के आपको डिसीजन लेना चाहिए और हमारे चैनल पर सर बहुत सारे वीडियोज हैं सेल्फ प्रिपरेशन पे बुक्स पे इनफैक्ट हमने ए आई जो कि विदाउट कोचिंग क्लियर किए थे दो बाईस में उनका वीडियो भी डाल रखे आप जरूर देखें यू विल गेट लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड मोटिवेशन इफ यू वांट टू डू सेल्फ प्रिपरेशन तो बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप एफर्ट डालोगे तो कहते हैं ना कि सारी कायनात मिल जाती है खुदा भी आपको हेल्प करेगा तो सेल्फ प्रिपरेशन कोचिंग इज अ डिफरेंट एंगल सबसे पहले अपने अंदर झांककर देखिए कि डू यू रियली वांट टू डू दिस एंड वुड यू गो अ माइल अहेड ऑफ अदर्स टू डू दिस आप सारी पेन सारा हार्डवर्क सहन कर पाएंगे तभी आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए कोई भी हो मतलब क्लाट नीट आई जो हम ट्वेल्थ में करते रहे थे अब आर बी आई बैंकिंग एग्जाम्स से बी नबार्ड यू पी एस सी सब में बहुत एफर्ट लगता है और वो एफर्ट सिक्सटी सेवेंटी परसेंट आप ही का होने वाला है थैंक यू वेरी मच अंजित सर कि आपने पूरा ये इशू जो है डिटेल में बताया हमें एंड फ्रेंड्स दिस इज अगेन द वीडियो नॉट फॉर डिफेंडिंग अवर सेल्फ हम कहीं भी डिफेंड नहीं कर रहे हैं जैसे इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव भी क्लियरली बताया हमारा पॉइंट यही था कि हम ये जो इशू है आपके साथ शेयर करें क्योंकि हम बाकी सारी चीजें भी आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं थ्रू आउट अवर सेवन ईयर जर्नी Thank you very much.